तो अब बात करते हैं कि आज वर्तमान में लोक सेवा कितने प्रकार की होती है, है ना। तो जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहां पर क्या है, लोक सेवा सिविल सर्विस, तीन प्रकार की मैंने बताया था। एक है केंद्रीय सेवा सेंट्रल सर्विस, राज्य सेवा स्टेट सर्विस, और अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना। ये तीन तरह की हमारे पास सर्विसेज हैं। तो ये जो पहली सर्विस है, ये पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, समझ पाएं कि ये तीन प्रकार की सर्विसेज सामान्य तौर पर क्या है, कि भारत संघीय देश है। भारत को कहा जाता है भारत कैसा देश है, संघीय, फेडरल। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फेडरल शब्द नहीं लिखा है, यूनियन लिखा है, है ना। तो हम सामान्य तौर पर यूनियन कहते हैं, लेकिन बोलचाल में हम फेडरल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो फेडरल शब्द का प्रयोग, और हिंदी में संघीय ही कहते हैं, हिंदी में अंतर नहीं करते, इंग्लिश में अंतर करते हैं, तो हम कहते हैं क्या है, फेडरल नहीं यूनियन है, और उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे, यहाँ संघीय और फेडरल ही समझेंगे, ठीक। तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम होने का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम होने का मतलब होता है दो लेवल पर गवर्नमेंट होगी, दो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल लेवल होगा और एक स्टेट लेवल होगा, है ना। तो यहां पर क्या है, सेंट्रल और स्टेट, ये दो लेवल होंगे, एक लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होगी। अगर एक लेवल पर गवर्नमेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी, एकात्मक। अगर केवल दिल्ली से ही पूरे देश की सरकार चलाई जाए, यूनिटरी फॉर्म, है ना। तो यूनिटरी फॉर्म एकात्मक सरकार किसे कहेंगे, जब एक ही जगह से पूरी सरकार चलाई जाए। तो एक ही जगह नेताजी लोग इलेक्ट होंगे, और एक ही जगह सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वहीं से कंडक्ट होंगी, वहीं पर सारा काम होगा उनका। लेकिन हमने जो व्यवस्था बनाई है वो कैसी, फेडरल है। तो सेंट्रल और स्टेट दो लेवल बनाए हैं, तो ये तो बहुत स्वाभाविक था कि हम यहाँ पर क्या है, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा करते। तो केंद्रीय सेवा किस बात के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट देना है, एडवाइस देना है, और साथ में जब पॉलिसीज बन जाएं, डिसीजन ले लिए जाएं, उनको एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करना है, ठीक है। तो यहां पर दो काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करते हैं वो क्या काम करते हैं, एक काम है नेताओं को सपोर्ट करना ताकि वो डिसीजन ले सकें। भाई उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है, तो ऑफिसर कलेक्ट करता है। तो सारा डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, ऑप्शन देना, ये काम होता है किसका, तो ऑफिसर्स का काम होता है। तो ये होता है सपोर्ट, कौन सा बेस्ट है तो बताएंगे एनालिसिस करके, सर किस हिसाब से कौन सा बेस्ट है, है ना। अब चूज करना आपका काम है। तो फाइनल जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, जब आपके पास अल्टरनेट्स में से एक कोई अल्टरनेट को चूज किया जाता है, एक कोई अल्टरनेट को चुना जाता है, कई सारे विकल्प होते हैं हमारे पास, एक अल्टरनेट को चुन लेते हैं तो डिसीजन हो गया, यही डिसीजन मेकिंग है। तो चुनता कौन है उसको, वो नेताजी लोग चुनते हैं कि हमको ये करना है, वो अपने इस हिसाब से चुनते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स क्या कहती है, उनकी विचारधारा क्या कहती है, है ना। तो ऑप्शन जो ऑफिसर का काम है, ऑफिसर का काम ये नहीं करना, डिसीजन करना नहीं, ऑफिसर का काम क्या है, वो तमाम सारे आपको अल्टरनेट अवेलेबल करवा देगा डाटा एनालिसिस के आधार पर, कि ये परियोजना, ये परियोजना या इस तरह की परियोजना बनाई जा सकती है, तो इस तरह के लाभ हो सकते हैं, हानियां क्या होंगी वो भी एनालिसिस के माध्यम से बताई जा सकती हैं, कि ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसको चूज करने पर ये प्रॉब्लम होगी, इसको चूज करने पर ये प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा क्या है, सपोर्ट देना काम है ऑफिसर्स का, और जो नेताजी लोग हैं वो चूज करते हैं पर्टिकुलर चीज को, कि ठीक है कितना रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है उन्होंने ले लिया।
तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग का काम जो है मेनली है किसका, नेताजी लोगों का। तो जो शासन व्यवस्था है जिसके बारे में हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है, और नीतियां बनाने में सपोर्ट करने का काम क्या है, ये काम है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो हम लोग क्या है, लोकतंत्र में अगर भूमिका देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भूमिका क्या होगी, तो ये पहली भूमिका आती है, पहले नेताजी लोगों को सपोर्ट करो ताकि अच्छी पॉलिसी बन सके। फिर उसके बाद जब पॉलिसी बन जाए तो जो फील्ड लेवल पर ऑफिसर्स काम करते हैं उनका काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट करें सही तरीके से, सही तरीके से जनता तक उसका लाभ पहुंचाएं। कहीं भी फेलुअर होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, यानी सपोर्ट अगर नेताजी को सही वाला नहीं मिला तो वहाँ पॉलिसी बनाने में फेल हो जाएंगे, और अगर यहाँ एग्जीक्यूशन में फेल हुए तब भी वो टारगेट पर नहीं पहुँचेगी चीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो क्रूशियल काम है। तो यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ समझिए क्या है कि दो लेवल पर ऑफिसर्स रखे जाएंगे, सेंट्रल लेवल से जो योजनाएं परियोजनाएं जो पॉलिसी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने टैक्स लगाती है उन टैक्सेस में भी जो कलेक्शन वाली स्थिति रहती है वो सेंट्रल सर्विस ही कलेक्ट करेंगे। तो जब हम IRS की बात करते हैं तो वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है तो सामान्य तौर पर उसमें जो सेलेक्ट होते हैं वो इस लेवल पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो विदेश से संबंध बनाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। वैसे में क्या है, उनको एक सर्विस चाहिए थी जो विदेश से संबंध बनाने में मदद करे, तो वहां जो ऑफिसर विदेश में तैनात होंगे IFS वो यहां पर होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल सर्विसेज। फिर दूसरे लेवल पर राज्य सेवा, स्टेट सर्विस। स्टेट सर्विस का राज्यों में जो काम होते हैं उसके लिए हम ऑफिसर्स चुनेंगे। तो राज्य सरकार खुद ही इन ऑफिसर्स को चुनती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उन ऑफिसर्स को खुद चुनती है, एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक आयोग के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट होता है, उनको चुना गया, उनको खुद ही ट्रेनिंग देना है और फिर उनको अपने काम पर लगाना है। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको निकालने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक। इसी तरह राज्य सेवा में भी होता है कि ये अपने काम के लिए ऑफिसर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, स्टेट आपके यहाँ पर सिविल सेवा आयोग होगा, राज्य सिविल सेवा आयोग होगा जो सलेक्शन का काम करेगा, ठीक। सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा कि भाई उनको राज्य सेवा में नौकरी दी जाएगी, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो राज्य सरकार आपको निकाल भी सकती है। तो कंप्लीट कंट्रोल स्टेट सर्विसेज पर, कंप्लीट कंट्रोल राज्य सरकार का होता है। सेंट्रल सर्विसेज पर कंप्लीट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरह से काम होता है। और यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ग्रुप वाइज बटा हुआ है, तो सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ऐसा बटा हुआ है ना। सेंट्रल सर्विसेज को ग्रुप में इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया है ABCD करके, है ना। तो ये ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो ABCD किस ग्रुप में आप आते हैं, तो कई बार पूछा जाता है किसी से कि भाई क्या है, ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, किस में सेलेक्ट हुए हैं ना। तो ये ग्रुप ABCD इसमें डिवाइड किया गया। स्टेट सर्विसेज को डिवाइड किया गया दो तरीके से, एक को कहा जाता है प्रॉपर, या इसी को कहा जाता है राज्य सेवा, एक को कहा गया अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा सबॉर्डिनेट सर्विस, सबॉर्डिनेट सर्विस। अब क्या होता है कि आपके यहां RAS में एक ही एग्जाम होता है जिसके थ्रू ये पता नहीं लगता है कि कौन सी राज्य सेवा या प्रॉपर सर्विसेज हैं और कौन सी सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं। लेकिन अगर आप UP में चले जाएं तो आपको एकदम क्लियर अंदाजा लग जाता है, क्योंकि वहाँ अपर का एग्जाम अलग होता है, लोअर का एग्जाम अलग होता है। ये अपर सर्विसेज हैं, लोअर सर्विसेज हैं, नायब तहसीलदार और उससे नीचे की जितनी सर्विसेज हैं वहाँ लोअर सर्विसेज में आती हैं, और जो अपर सर्विसेज में आती हैं नायब तहसीलदार से ऊपर की सर्विसेज जो है यहाँ पर आती हैं।
जितने भी इंस्पेक्टर और मिनिस्टर के भर्ती होते हैं तमाम सारे विभागों में, यहाँ पर भर्ती होते हैं, ठीक है। तो लोअर लेवल की सर्विस, अपर लेवल की सर्विस, यहाँ पर क्या होता है, SDM आएंगे, डिप्टी SP आएंगे ना, ये सारे लोग जो डिप्टी कलेक्टर डिप्टी SP बनते हैं वो यहाँ पर भर्ती होते हैं। तो क्लियर हुआ कि स्टेट सर्विसेज में दो तरह से उसको डिवीजन किया गया है, और सेंट्रल सर्विसेज में कॉमनली ABCD करके ग्रुप बनाए गए हैं। तो इनके बारे में ये चीज है। फिर अब तीसरी सर्विस किस बात के लिए बनाई गई, क्योंकि भाई हम संघीय देश थे, दो स्टेट दो लेवल पर हमें सर्विसेज चाहिए थी, दो लेवल पर हमने बना ली। तो ये तीसरा लेवल किस बात के लिए है वो समझिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जब स्वतंत्र हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इसको बनाए रखना बहुत आवश्यक, इसको नहीं बनाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जो अंग्रेजों ने ICS बनाया था, इन्हीं के साथ मिलकर हमने पूरे देश को एक किया है। उनका काम ही ये था कि वो पूरे देश में तमाम राज्यों को मिलाकर एकीकरण करें। तो उन्होंने कहा ये एकीकरण का काम अगर ये ऑफिसर्स ना होते तो मैं नहीं कर पाता। इन लोगों की समझ बूझ है ना, इन लोगों का फील्ड में जो एक्सपीरियंस है उन्हीं के आधार पर ये सारे काम मुमकिन हुए हैं। तो आज एकीकरण का काम मुमकिन हुआ है, भविष्य में भी हम भारत को एक अगर रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह की सर्विस की जरूरत है। इस तरह की सर्विस में खास विशेषता होती है, इनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनको ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इनको अगर नौकरी से निकालना है सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी, लेकिन इनको काम जहां दिया जाता है वो स्टेट में, राज्य सरकारें इनको काम देती हैं। तो ये राज्यों में जाके काम करते हैं और टोटल कमांड इनकी कहाँ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट देख सके कहीं किसी राज्य में कोई गड़बड़ ना हो रही हो, है ना, कहीं किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो एक सुरक्षा के लिहाज से, दूसरा स्टैंडर्ड के लिहाज से, पूरे देश में एक तरीके का स्टैंडर्ड बनाना है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो शुरुआती सुविधाएं देखी गई कि एक एक स्टैंडर्ड पूरे देश में, चूंकि एक देश है तो उसे मजबूत बनाए रखना है, एक स्टैंडर्ड पर रखना है। अदरवाइज क्या पता होता है कौन सा राज्य किस तरीके से गवर्न हो रहा है, तो हमको नहीं पता होता। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे के लिए आवश्यक ये था कि हम एक ऐसी सर्विस बनाएं जो सर्विस फाइनली कमांड तो होती है, अंतिम तरीके से कमांड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कमांड कर सकते हैं स्टेट लेवल पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग आप कर सकते हैं, कोई भी काम पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, वो सब काम आपका है। सस्पेंड करना है तो पहले सस्पेंड कर सकते थे, है ना, सस्पेंड करना, निलंबित करना मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ने गड़बड़ की है तो उसको कुछ दिन के लिए बोला कि आप सर्विस में नहीं आएंगे, आपके खिलाफ जांच चल रही है, तो सस्पेंड करना होता है, टर्मिनेट करना होता है का मतलब नौकरी से निकाल देना। वो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती, वो डिसीजन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है, केवल राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर काम करता है, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट यदि राष्ट्रपति को सलाह देती है हटाना है तो हट जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति अपने मन से तो कोई काम करते नहीं, है ना। तो यहां पर जब तक कैबिनेट नहीं कहती है तब तक ऐसे ऑफिसर को हटाया नहीं जा सकता। तो आप समझिए क्या मजबूत स्थिति है, जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थिति है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सिवाय राज्य सरकार में मुख्यमंत्री भी अपनी अगर पूरी ताकत लगा ले तब भी नहीं हटा सकता। तो आप समझिए, इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि आप समझ पाए कि मुख्यमंत्री की ताकत से भी ये नहीं हटते। हाँ, इन्हें क्या कर सकते हैं, आप परेशान कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी जेल में कर सकते हैं, कुछ किसी केस में फंसा सकते हैं, वो सब कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप इनको किसी भी तरीके से नौकरी से नहीं निकाल सकते जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे एग्री ना हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्री हो जाए तत्काल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हैं। तो यहाँ पर मैंने कल बताया था IAS IPS और IFS,
तीनों ही सर्विस जो है फील्ड में काम करने वाली हैं। आईएएस जो सामान्य तौर पर कलेक्टर या डीएम नाम से जाना जाता है, तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो ये कलेक्टर शब्द भी इस बात से बना कि इनका एक काम होता है रेवेन्यू कलेक्शन। शुरुआत में इनका काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन, इस बात के लिए ये ऑफिसर बनाया गया था। बाद में इसी ऑफिसर को और ढेर सारे काम दे दिए गए, तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाया गया था इसलिए इसका नाम हुआ कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला ऑफिसर, रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाला ऑफिसर कलेक्टर। बाद में क्या हुआ, इनको तमाम सारी ऐसी पावर दे दी गई जो क्या है दूसरे तरह की पावर्स भी थी, जैसे पुलिस को हैंडल करना, तो पूरा पुलिस महकमा इनके कंट्रोल में आता है, प्लस जुडिशियल सर्विस को भी अंग्रेजों के जमाने में इनके अंडर में दिया गया था, तो सारा कुछ ये कंट्रोल करते थे। अब जुडिशियल सर्विस यहां रही नहीं है ना, तो अब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में ये अभी भी इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उसको भी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको जो यहां पर मजिस्ट्रेट की पावर मिली हुई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यकारी दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिलती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जो दंड देते हैं, जो तमाम सारे केसेज में दंड देने का काम करते हैं वो होते हैं, तो जजेज अलग हैं, सेशन कोर्ट अलग है, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है जो न्याय देने का काम करती है वो अलग है, और ये जो व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमने देखा कि आज की डेट में जजेस पर या न्याय व्यवस्था पर इनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन पुलिस व्यवस्था पर इनका कंट्रोल बना हुआ है और जेल डिपार्टमेंट पर इनका कंट्रोल बना हुआ है। जो ये कंट्रोल बना हुआ है इसीलिए ये डीएम कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, कार्यकारी दंडाधिकारी कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इनका नाम कभी कलेक्टर कहते हैं, कभी डीएम कहते हैं जब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बाकी फिर अपर लेवल पे क्या है प्रमोट हो जाते हैं तो सेक्रेटरी या उस तरह की पद ऊपर आ जाए। आईपीएस एसपी सामान्य तौर पर हम देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में एसपी के पद पर देखते हैं। एसपी तब होते हैं जब ये इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और कुछ साल इनको अनुभव हो जाता है ना, तो ये एसपी के पद पर आते हैं, फिर धीरे धीरे पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोट होते रहते हैं। तो सामान्य तौर पर हम एसपी के रूप में एक आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं, तो कलेक्टर के रूप में हम इस आदमी को देखते हैं जो आईएएस बनता है, एसपी के रूप में इन्हें देखते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वही आईएफएस है ना, तो क्या हुआ एक डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट जो है उसके लिए सबसे बड़ा ऑफिसर, और जो सिविल जगहें हैं जहां पर सामान्य बसाहट है उनके लिए सबसे बड़ा ऑफिसर। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी व्यवस्था चल रही है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उस पर ये तीनों फाइनल कंट्रोल रखते हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनल कंट्रोल रखना अखिल भारतीय सेवाओं में यहां पर आता है। कभी भी अखिल भारतीय सेवा जो बनेगी वो उस डिस्ट्रिक्ट में जिस गतिविधि के लिए बनाई गई है उस पूरी गतिविधि को कंट्रोल करेगी, तो कंप्लीट कंट्रोल इनके हाथ में होता है। जैसे अगर कल को भविष्य में और सर्विसेज बना दी जाएं, एजुकेशन लेवल पर सर्विसेज बना दी जाएं, तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा वो यहां से बनेगा। मेडिकल लेवल पर बनाया जाए तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट का वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है, इस लेवल पर जब कोई सिलेक्शन पाता है तो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट को संभालने का मौका मिलता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप संभाल पाते हैं। तो ये किस तरह की, देखिए इनसे ये अखिल भारतीय सेवा किस तरह से अलग है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती है निकालती है काम भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट रखती है निकालती है काम लेती है सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखती निकालती है लेकिन काम लेने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। तो राज्य सरकार जो है वो काम ले सकती हैं तो वो इनसे काम लेती हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो तीन सर्विसेज हैं तो इनमें ये दो सर्विसेज जो हैं वो तो स्वतंत्रता के समय बन गई, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। लेकिन ये जो आईएफएस है
वो उस समय नहीं बनी थी। आईएफएस सर्विस स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं बनी। तो हमारे जो संविधान है उसमें व्यवस्था दी गई थी कि हम नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया, सरदार पटेल ने कहा था, तो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है ना। कार्नवालिस ने जब सिविल सेवा को व्यवस्थित किया था तो कार्नवालिस को सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सरदार पटेल ने ये तो कह दिया कि अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, लेकिन अखिल भारतीय सेवा जितनी बना गए तो उस समय तो उन्होंने दो ही बनाई। तो संविधान में जो स्टार्ट हुआ संविधान, तो वहां पर जब लिखा गया कि हमारे पास कितनी सेवा होंगी, तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312, तो आईएएस और आईपीएस तो लिख दिया गया, लेकिन उसके बाद की सर्विसेज के लिए यहां प्रोसीजर दे दिया गया, एक तरीका दे दिया गया, आप नई सर्विसेज बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास गोपालपुरा बाईपास जयपुर, कॉल करें 7240672406।